अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी मॉर्निंग। और आज की सुबह का आगाज़ है सर्दियों की सौगात जो है हमारी। ऑरेंज देख लें माशाल्लाह से, ये मेरे मक्के से आए हैं, अबू ने भिजवाए हैं, नींबू ने, तो अपने बाग हैं माशाल्लाह से, तो हर साल आते हैं। और जो फ्रेश ऑरेंज की लुक है तो बस, और जो खाने का मज़ा है, टेस्ट है, वो जितना मर्जी बाज़ार से खरीद के खाएँ, और अपने घर की और अपने माँ बाप के आगे तो बात ही कुछ और है। सुबह सुबह मक्के की याद, ये देख लेंगे अभी बाग के आगे मिली के बच्चे को निकालते हैं, तो बस दरवाज़ा थोड़ा सा खुला देखते हैं उनके बाग के आगे माशाल्लाह से। ये अपने बाग के जो तोड़े हुए और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं कि जब सब बहन भाई इकट्ठे होते थे छोटे होते, तो सारी सर्दियों में एक दूसरे को माल्टे के छिलके मारना बैठ के, और नमक ले के, और फिर छत पे बैठ के खाना ही सभी करने के, धूप में बैठ के इन्हें डांटना कि सर्दी में अंदर बैठ के बात, किसी का गला खराब, किसी का कुछ, तो बस इस तरह की बहुत सारी यादें हैं जो साथ ही ताज़ा हो जाती हैं। अल्लाह ताला सबके वालदैन को सलामत रखे और सबको खुशियों के साथ रखे, अपनी नेमतों के साथ रखे, इनको बाहर निकालें जल्दी से। बस ये आके वीडियो तैयार कर रहे हैं और इनके खाने की टेस्ट तो नहीं है, लेकिन बस अंदर खा रहे हैं। और आप सब कैसे हैं, कैसे गुजरेंगे आपकी सर्दियाँ? तो बस ये है कि इसमें से छांटी वगैरह करके, तो जो थोड़े से अंदर से दब गए हैं घरों में डाले हुए, तो उनको अलग कर लेती हूँ, और बाकी को अलग कर लिया, साफ सफाई अलग, कुछ रिलेटिव्स को, कुछ इधर हमसायों को, कुछ मेड्स हो गई, इन सबको थोड़े थोड़े, सबको इसका हिस्सा जाना चाहिए, सबका हिस्सा होता है। और बच्चों के दोस्त वगैरह हैं वो लोग भी पसंद करते हैं, तो इसमें से साफ साफ जो है एक भी निकाल लेते हैं, और बाकी जो है ना बर्तन में ये कि ज़रा सा भी जो खराब होना तो सबको भी खराब कर देते हैं। लास्ट ऐसे ही होता है, दो तीन ऐसे नरम से देव बच्चों ने ऐसे डाल के रख दिए, तो फिर चलिया भी हैं, साथ साथ बच्चों ने कर दिया। फिर हमारी शामी के बाद की वो फिर मैंने बनाई साथ लग के, और जल्दी से उसका बहुत इजी है बनाना। उस चिकन को जल्दी जल्दी, चिकन और दाल को मैरिनेट कर लिया हमने अंदर, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, नमक मिर्ची हल्दी डाल के, बस जल्दी जल्दी उसे चॉपर में डाल के इसमें ग्राइंड कर लिया फटाफट। फिर उसके बाद उसे निकाल लिया, चॉपर में हमने डाल लिया अजवाइन, थोड़ी सी खुश्क धनिया, टाटरी और सब्ज मिर्च, सूखा धनिया जो है वो कम सर डाल लेना, जीरा हो गया, उसी चीज़ों को फिर उसमें मिक्स कर लिया, नमक मिर्च और उसमें मिर्च आप डाल दिया, सब उस मिर्ची ग्राइंड हो गई, धनिया भी अंदर में ग्राइंड कर लेती हूँ, और बाकी जल्दी जल्दी से ये बना लिया, और बना के फिर साथ ही मैंने कहा साथ चाय और शाम को आपका शाम के मतलब किसी खाना तो नहीं खाना था, और इनसे सब पेट भरते हैं माशाल्लाह से। और अंडे ना हो तो फिर मैदा, अंडे बिल्कुल चीज़ में बस वो तो बस अवेलेबल है, हर घर में एक बच्चा ऐसा होता है और एक बच्चा ऐसा होता है जो कि खाता ही नहीं कुछ भी, एग को देख के ही भाग जाना बस, इस तरह के भी माशाल्लाह से। चाय का पानी रख दिया, चाय दूध पत्ती भी बन सकती है, लेकिन जो इसका टेस्ट होता है ना, तो इसमें पानी थोड़ा सा पानी डाल के अगर चाय बनाए तो कोई बहुत सारी यादें बचपन की यादों से जुड़ी जाती हैं, तो उस वक्त इसी तरह ही सब बहन इकट्ठे थे, घर पर इकट्ठे थे, तो बहुत ही इन्जॉय करते थे। सर्दियों में अभी मैं बेसन की मिठाई बनानी आपको सिखाऊंगी, वो भी साथ साथ हमारे मौसम के पकवान चलते रहते हैं, इसमें वो
पत्ती वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह अल्लाह ताला गर्म करें, सबके घरों को आबाद रखें, सबके चूल्हे जलते रखें, सबके घरों से ज़रूरतमंदों को लंगर तकसीम हो। अल्लाह ताला के खजाने में से, अल्लाह पाक अपने खजानों में से, बेशुमार खजानों से आगा करें हम सबको, और हम आगे अल्लाह के देने के वसीले बने। चलें जी, हो गए शाम के बाद भी रेडी है और चाय भी।